तो मुझे इस लेक्चर में छोटी छोटी कुछ चीजें बतानी है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। हम लोगों ने ये बातचीत की, ये कई बार कर चुके हैं, रेशनल का जो कलेक्शन है ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो फील्ड बनाता है, अच्छी बात है। जो इरेशनल्स हैं, मतलब पूरे आर में से, रियल नंबर्स में से रेशनल हटा दें तो जो बचे, आप ये बताइए ये भी फील्ड बनाएगा या नहीं। मतलब आप ये कहते हैं कि दो नंबर हैं, रेशनल्स हैं, तो अगर आप उनको जोड़ते हैं तो रेशनल ही मिलता है। मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर दो नंबर इरेशनल ले लूं तो उनको जोड़ के इरेशनल ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये श्योर है या नहीं, आपका क्या मानना है? दो इरेशनल को लेकर हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा? कोई भी, जोड़ने पे तो इरेशनल ही, सर हाँ बेटा, जोड़ने पे इरेशनल ही मिलेगा। अच्छा इरेशनल ही मिलेगा। सभी लोग सहमत हैं या किसी का कोई दूसरा ओपिनियन है? रेशनल भी आ सकता है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं रेशनल भी आ सकता है, कैसे? सर जैसे 0.5 और 0.5 को ऐड करेंगे। अच्छा, 0.5 बेटा इरेशनल है क्या? नहीं सर, मतलब 0.5 मतलब 1/2 है, ये रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, दो इरेशनल नंबर लिए जाएं तो उनको जोड़ के, तो इसका मतलब ये तो लेना सही नहीं था, ये तो इधर आ जाएगा इस फैमिली में। अच्छा, 2+√3 क्या हुआ, रेशनल या इरेशनल? इरेशनल सर। हाँ, इससे एक बात और क्लियर है, कभी भी एक रेशनल और एक इरेशनल को सम करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, ध्यान रखना, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो दोनों इरेशनल ही आएगा, तो 2+3 इरेशनल है, 2-3 कैसा है, रेशनल या इरेशनल? सर ये भी इरेशनल। ये भी इरेशनल है, इन दोनों को जोड़ें तो बच्चों क्या आएगा? तो इरेशनल में, अच्छा, √2 इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, इन दोनों को जोड़ के जो आया वो भी इरेशनल आया, तो आगाह इरेशनल रहे बिल्कुल। में कह नहीं सकते। चेतन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके असर सिग्नल कमजोर है, आप माइक ऑफ कर लो बेटा, वो गड़बड़ ज्यादा हो रही है, साफ कम आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से समझिए प्लीज, इरेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, क्योंकि दो इरेशनल का सम इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, क्या ये बात समझ में आई? जबकि यस जो सर। रेशनल लेफ्ट साइड में था वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, इरेशनल का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, आप √2 और √2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों इरेशनल है, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, अब तो एडिशन था, अब दूसरा ऑपरेशन ले रहा हूं, तो सर टू ये क्या आ रेशनल गया, रेशनल। अच्छा √2 × √3 करिए तो सर ये रेशनल √6 आएगा। ये रेशनल होगा, इरेशनल? इरेशनल तो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल ही होता है या नहीं होता है?
यस सर, 9 स्क्वायर हमेशा नहीं रेशनल भी आ होता, सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। इरेशनल भी। अच्छा इधर R1 और R2 ले लूं मैं, दोनों रेशनल हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा, रेशनली इधर कोई दिक्कत नहीं, यहां बाइनरी ऑपरेशन आसानी से डिफाइन होगी, लेकिन इरेशनल के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर आप एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? एक रेशनल और इरेशनल का सम करें तो इरेशनल। हाँ, याद रखिए इरेशनल्स में आपस में दिक्कत है, रेशनल इरेशनल में भी प्रॉब्लम नहीं है। एक यहां से और एक वहां से उठाया तो इरेशनल ही जाएगा, चाहे सम हो चाहे प्रोडक्ट हो। सारी गड़बड़ तब हो रही है जब दोनों नंबर इरेशनल ले रहे हैं आप, तब कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, ऐसे एग्जाम्पल हैं, और इरेशनल भी आ सकता है। बहुत छोटी बातें हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर ही मैं ये लेक्चर चाह रहा था, छोटी बातें। जब ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूं सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए। दूसरा एक छोटा रिजल्ट है, और आप में से कुछ लोगों ने किया कुछ ने नहीं किया, मैं दोबारा लिख देता हूं। लेट ए कॉमा बी, ये दोनों आर के सबसेट हैं, बी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर, अच्छा ऑल्सो हम ए प्लस बी डिफाइन कर देते हैं। अब ए प्लस बी कैसे डिफाइन करेंगे? ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट से जोड़ेंगे तो ए प्लस बी डिफाइन होगा। प्रूव दैट, आपको दो तीन चीजें करनी है। पहला ए प्लस बी इज ऑल्सो बाउंडेड, सेकेंड सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, ये किसी बच्चे ने किया भी था, मैं देख रहा था, सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम बी, और तीसरा इन्फिमम ऑफ ए प्लस बी इन्फिमम ए प्लस इन्फिमम बी। मैं केवल लिख रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये आप लोग कर सकते हैं, आप में से किसी ने किया भी था एक आध, आपको तीनों करने हैं, ए बाउंडेड है बी बाउंडेड है तो उनका सम भी बाउंडेड ही हो, आपको ये दिखाना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट लैम्डा ए आपको लेना है, यही डिफाइन कर देता लैम्डा ए भी तो अच्छा था सवाल में। लैम्डा ए का मतलब ए के हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, लैम्डा भी कोई रियल नंबर ही है। ठीक है, तो अब यहां पर आसान हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सुप्रीमम ए, अगर लैम्डा पॉजिटिव है और लैम्डा टाइम्स इन्फिमम ए अगर लैम्डा नेगेटिव। नेक्स्ट इन्फिमम ऑफ लैम्डा ए, ये भी उल्टा हो जाएगा इसी तरह से, पहला तो ठीक है पॉजिटिव होने में कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा टाइम्स इन्फिमम ए अगर लैम्डा पॉजिटिव है,
लैम्डा टाइम सुप्रीम है भाई, अगर लैम्डा नेगेटिव। तो मैं प्रूफ चाह रहा हूं आप लोगों से, मतलब कि इसका प्रूफ करके दें आप, और इसी के पर्टिकुलर केस आप लोगों ने कही जगह पढ़े होंगे कि सुप्रीमम ऑफ माइनस ए टू माइनस टाइम्स इनफिमम ऑफ ए। तो आप ये बताओ लैम्डा -1 रखा है तो ये अपने आप आ जाएगा नहीं रिजल्ट, इसको पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी टोटल सुप्रीमम ए माइनस इनफिमम बी। और इन्फिमम ऑफ ए माइनस बी, इन्फिमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। नेक्स्ट, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ए सुप्रीमम बी। और नाइन्थ में, नेक्स्ट, इन्फिमम ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ इन्फिमम ए इन्फिमम बी। ये आपके कुछ आज के होमवर्क है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कुछ जगहों पर, और बाकी बाय डेफिनेशन ही चलेंगे सब। जो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी यूज करनी है बच्चों, आपको ये अच्छी तरह से ये सब चीजें आनी चाहिए। पता नहीं कहां पर किस चैप्टर में हम लगा दें कि पूरे सेट का सुप्रीमम निकालना हो और आपको आ ही नहीं रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि फाइनाइट सेट जो होता है तो उसका मैक्सिमा या मिनिमा ही निकालते हैं। फिर ये एट एलिमेंट है, ये एट एलिमेंट है, तो पूरे सेट के पास दो एलिमेंट है इसलिए बाहर से मैक्सिमम लिखा है, रटना नहीं है। क्योंकि जिसको आप सेट समझ रहे हैं उसमें दो ही एलिमेंट हो, एट सुप्रीमम ए होगा, एट सुप्रीमम बी होगा, तो इस सेट के पास दो एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट है, तो उसका मैक्सिमम शब्द आएगा। फाइनाइट में तो मैक्सिमम मिनिमम ही आता है ना, ये समझा था आप पीछे ट्रेनिंग बोला था मैंने। यस एक दिन मैंने सर, सुप्रीमम और मैक्सिमम में क्या डिफरेंस होता है ये समझा रहा था मैं। आप लोग वैसे ही समझो, एक्स माइनस वाई लेना है मुझे। आप ये सोचो कि आप इसका सुप्रीमम निकालना चाहते हैं, रटो मत। ये जो डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा डिफरेंस कब होगा, जब एक्स से ज्यादा होगा और वाई कम से कम होगा, तब ये अंतर ज्यादा होगा नहीं होगा बच्चों? सर आप ध्यान से समझो, एक्स और वाई का अंतर कितना है, तो एक्स और वाई का अंतर का सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब एक्स से ज्यादा हो और वाई कम से कम हो, तो अंतर ज्यादा हो जाएगा। ये महसूस करना है तभी आप छठी प्रॉपर्टी एग्जाम में डायरेक्टली बोल पाएंगे। मुझे लगता है शुरू के 400-500 में किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी है, वो बहुत सामान्य बातें कही गई है। छठे वाले को कैसे याद रखेंगे आप? आप कोई दो नंबर सोचिए, अपने मन से समझिए कि अच्छा इसको बढ़ाते हैं, एक्स को और वाई को घटाते हैं, तो अंतर डिफरेंस आपको महसूस होगा कि बढ़ रहा है। ऐसे ही इन्फिमम कब होगा आप ये भी समझो। अब ये जो अंतर है एक्स और वाई का, ये कम से कम कब होगा, जब वाई ज्यादा से ज्यादा होगा और एक्स एक्स कम कम। से कम होगा, बिल्कुल। तो ये आपको छठी और सातवीं प्रॉपर्टी को समझने में मदद करते हैं कि अच्छा एग्जाम में कभी आए तो लॉन्ग टर्म में हम कैसे याद रखें इन चीजों को। और इसके प्रूफ आप लोग ही देंगे, प्रूफ आसानी से होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें हैं नहीं, लेकिन ये अच्छा होमवर्क है। मैं इसका प्रूफ नहीं देने वाला आपको, आज आप इसे करिए आराम से। सर इन्फिमम में एक्स कम से कम होगा क्या? हाँ बेटा, इन्फिमम में एक्स कम से कम होगा।
हाँ और वाई इन्फिनिटी, ज्यादा से ज्यादा। हाँ इस तरह से आप पॉजिटिव नंबर्स में सोचिए अभी खाली, बस वो थोड़ा समझने में आसान होगा, आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही याद हो जाएगा। और या फिर आप पहली और दूसरी प्रॉपर्टी को सोचिए सबसे ऊपर, नहीं दूसरी और तीसरी, सुप्रीमम ए प्लस बी, ए माइनस बी में, ए माइनस बी को आप वैसे लिख लो ना, ए प्लस माइनस बी। अब इसका सुप्रीमम का मतलब इसका सुप्रीमम, अब जब सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सुप्रीमम और माइनस बी आएगा, लेकिन सुप्रीमम और माइनस बी क्या होता है, मैंने काट रखा ऊपर राइट में देखो। माइनस बी माइनस इनफीम ऑफ टाइम्स बी। इनफीमम ऑफ बी, वैसे भी सोच सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज जो सेकंड और थर्ड हैं, यही प्रॉपर्टी बाद में डिफरेंस के लिए भी है, ध्यान से सोचो तो जरा सा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, अगर आपने ये वाला प्रूफ कर दिया, लैम्डा वाला मल्टीप्लाई वाला, तो ये खुद समझना है, इसमें कोई हेल्प नहीं। तो आज इतना ही करेंगे आप लोग, आपके लिए काफी होमवर्क है, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके okay।